I'm really sorry. आशाना भाई क्या किया? क्या किया? लड़ कर रहे हैं ना? जैसे कि जस्ट हाइलाइट्स ही चाहिए ऑलमोस्ट जैसे नीता के किए थे वैसे ही हाइलाइट्स चाहिए बट जैसे पूरे बालों में ऐसे कलर नहीं दिखना चाहिए जैसे कभी कभार ऐसे साइड से या बेबी हाइलाइट्स नेचुरल उसे एश ब्लॉन्ड टोन में फाइनली मतलब मैं मेरा ड्रीम जैसा पूरा हो जाएगा आपका ड्रीम मेरा ड्रीम ड्रीम कंप्लीट हो रहा है भाई ऐसे बोल रहे आप हमारा ड्रीम मैंने तो सच बोलूं चिन्ना को कन्विंस करने की जरूरत नहीं लगी क्योंकि वो मेरे बाल देख के ना वो रोज मेरी तारीफ कर रहा है बोल रहा है रोज मैं कब से बोल रहा हूं मैं ना सच बोलूंगा लंदन में जब ये कलर करने के लिए लड़कियां जाती है ना वो कई बार होता ही नहीं है जब मैंने इसका कलर देखा मैंने बोला अमेजिंग वर्क बाय शानू मैं खुद इधर आया फर्स्ट डे में मेरा पहले दिन है इधर मुंबई में एंड आई कम टू यू फर्स्ट सो ये मेरा ड्रीम है ना कि आपका ड्रीम नहीं मेरा ड्रीम ऐसा था कि मुझे आपको कलर कब से करना था एक दो टाइम तो ऐसा हुआ कि मैंने बॉल में कलर बनाया मिक्स किया है और आपने बोला नहीं मैं बाद में कर लूंगा क्योंकि वो कल ही फ्लाइट से आया शाम को दोपहर को पहुंचा और आज नेक्स्ट डे ही हम शानू भाई के पास आए बड़ी बात है मेरे लिए ठीक है तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और कैसा कलर हमारा फिलाइटिंग कंप्लीट हो चुका है वाओ तो अभी ये सब ब्लीच ही है ना अभी हां अभी ब्लीच है इसके बाद अभी टोनर लगेगा या हां इसके बाद हम इस पे टोनर करने वाले हैं ओके हम आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट कर लेते हैं वाओ आपके बहुत स्ट्रांग है हां ये जो ब्लीच है जैसे कि अलग-अलग पोटेंसी में आता है ना जैसे कि अलग स्ट्रेंथ में ये सबसे स्ट्रांग ब्लीच है या ये मीडियम ओके बहुत स्ट्रांग भी नहीं है और बहुत लो भी नहीं है ओके हाँ तो और दूसरा हमने इसमें ना हम डेवलपर के साथ काम करते हैं एक होता है 40 वॉल्यूम एक 30 वॉल्यूम एक 20 वॉल्यूम तो हम यहाँ आपके साथ 20 वॉल्यूम पे गए ओके ओके अच्छा अभी हम इस लेवल पे हम यहाँ पे कुछ भी कलर करेंगे इजीली आ जाएगा इजीली ओके हम आपके कैप को रिमूव कर देते हैं अभी हमने प्लाइटिंग किया है प्लाइटिंग हमारा कंप्लीट हो गया है अब हम शैम्पू चेयर पे लेके जाएंगे टोनिंग कर देंगे 10 मिनट में फिनिश हो चुका है पर ऐसा हुआ कि हमने वेविंग कैप में जो है क्योंकि हमारा थोड़ा सा कम्युनिकेशन का ये हुआ
कि उनको स्ट्रिप्स कम चाहिए था, पर मैंने पहले पूछा कि हम फॉइलिंग करते हैं, तो सर ने बोला नहीं कैप में करते हैं। तो फिर मतलब मैंने उनको पूछा कि जैसे आपको फ्रंट पार्ट चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे पूरा चाहिए। तो पूरा करने में थोड़ा सा वो बाद में क्या हुआ, स्ट्रिप्स ऐसा लगा कि ज़्यादा है, तो अब हमारा कलर कम्प्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम उसको कम कैसे कर सकते हैं, तो वैसे मैं यहाँ पे वीविंग को ऐड करके फॉइलिंग डालूंगा। बीच-बीच में हमने फॉइल डाला एंड रिजल्ट देखो आप, मजा आएगा। कलर तो बहुत मस्त आया, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा चिन्ना पे हमने वो कभी मतलब सोचा ही नहीं है, और वो एकदम हमेशा नॉर्मल लगता है, यू नो ही इज लाइक जेंटलमैन। ये सब चीजें आपको दिख रही है एक पीछे से एक लड़की दिख रही है पीछे से। उसने फर्स्ट टाइम कलर किया, मैं खुद उसको पहचान नहीं पा रही हूँ कि ये कौन है। मस्त कलर अभी है। पीछे से देखना आईने में मैं लग रही हूँ बुगली, पहले मेरे ऐसे कलर थे। मस्त है, वाओ बुगली क्या कलर लग रहा है तुम्हारा भी मस्त इसमें वीडियो में। मैं तुम्हें फोटो निकाल के दिखाती हूँ। हेलो गाइस, गाइस हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है हेयर कलर एंड ट्रीटमेंट। हमने कलर किया, कट तो नहीं किया। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आई एम सो हैप्पी विद द कलर एंड आई एम सो हैप्पी विद शानू एंड आई वांट टू से वन थिंग। नीदा के बाल देखे थे एंड उसके बाद मैंने बोला नो मैटर व्हाट मैं इंडिया में ही आके कलर करवाऊंगा, कट करवाऊंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस बिकॉज दिस लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड नो थैंक यू। एंड मुझे सच में ऐसे लग रहा है कि कलर प्रॉपर अलग लग रहा है एंड इट्स गिविंग लाइक अ वेरी यूरोपियन टच, डिफरेंट फीलिंग। सो और इसको ऐसे ही चाहिए थे कि मतलब चिन्ना हमेशा मैरियोना डिवेल को फॉलो करते हैं उनके हेयर कलर के लिए, पर यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो चिन्ना को फॉलो करते हैं उसके हेयर टेक्सचर के लिए। जैसे मेरे हेयर कलर के बाद शानू भाई ने भी बोला कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि नीता जैसा ही कलर चाहिए। सो आज आप इसका कलर देख के भी वही बोलोगे कि मुझे चिन्ना मतलब गुरदीप जैसा ही, चिन्ना जैसा ही हेयर कलर चाहिए। आपके सामने कितने सारे कॉल आ गए, मेरे सामने खुद ऐसे कॉल आए। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि सच में लोगों को भी ये कलर अच्छा लगा एंड सेम ही कलर चिन्ना ने भी वैसा ही करा है। तो इसको जैसे चाहिए था, मैं तो सच बोलूंगी बहुत ऑसम लग रहा है चिन्ना। एकदम बियर्ड भी देखो ना, यू नो दैट सब पूरा आज उसने पेडिक्योर करवाया है और पूरा आज मेरा पूरा पैम्परिंग सेशन पहले दिन ही हो गया। And thank you so much to Shanu because you know what it is, he's very talented at what he does. So make sure aap zarur idhar aana. Us din bhi 1 baje the, aaj bhi 1 baje hai. सिर्फ आज इतना है कि 4 बजे आए थे एंड वो मेरी जो कजिन सिस्टर है वो भी अंकिता इधर आ जा, उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, हेयर ओपन कर लो। तो दोनों का हो गया पर मेरा पूरा दिन गया बर्बाद। एक हमने यहाँ पे साथ साथ में एक मॉडल ये रेडी किए है, वाओ आप इनका बिफोर मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में। इतने बड़े बाल थे, इतने लॉन्ग हेयर जो हमने कट करके इतने से कर दिए क्योंकि वो थोड़े नीचे से थे। शानू भाई ने उस दिन मेरे भी कैंची मारी थी। पर रिएक्शन कैसा था ना वो हेयर कट करने का, ये ब्लॉग ट्रेंडिंग पे आना चाहिए, ट्रेंडिंग पे आना चाहिए ब्लॉग। गाइस इतने कमेंट करो ना, ट्रेंडिंग पे लाओ। तो गाइस कैसा लगा ये ब्लॉग, आज का हेयर कलर एंड इनका भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी आप देख लिए रहेंगे। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। yes. और हम लोग साथ में मिलते तो कैसा लगता है। yes. वो भी बताना। yeah. मैं तो बहुत अच्छा फील करता हूँ और ऐसा लगता है कि मुझे टाइम का ही नहीं पता चलता है। आज भी हमें 1 बज गया है, हम 4 बज गए क्योंकि इसका नहीं था ना आज। मेरा आज कुछ भी नहीं था, मैं बैठी थी बस। मजा आया, मजा आया। मैं हमेशा शानू भाई की तारीफ ही करती हूँ। एक्चुअली अगर हम सिर्फ सर का कलर करते तो उतना टाइम नहीं लगता क्योंकि हमने दो जन का ये भी कलर आप कर सकते हो, ये भी मेरे जैसा भी डिस्काउंट मिलेगा हमारे तरफ से। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, आई लव यू, अल्लाह हाफिज़।